الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو الصلاة इंसान उसको सिखाने पर आए तो अपनी दरिंदगी को छोड़ देता है, और इंसान इंसान सिफत था, लेकिन अगर ये इंसानियत पे गिरने आए तो ये हैवान से बदतर हो जाता है। कब गिरता है
मासूम फरमाते हैं जब ये अपनी अपन से इस्तफादा करना छोड़ देता है। अपन एक पावर है, एक ताकत है जो खुदा ने इंसान को दी, और इसलिए दी ताकि अगर ये इबादत करे तो अक्ल के ज़रिए से, अगर किसी को नबी माने तो अक्ल के ज़रिए से, अगर किसी को इमाम माने तो अक्ल के ज़रिए से, अगर पूरी उम्मत अपनी अक्ल से फ़ैसला करती तो अक्ल का फ़ैसला था कि अली को इमाम होना चाहिए, क्योंकि अक्ल इल्म को पसंद करती है, अक्ल शराफत को पसंद करती है, अक्ल शुजाअत को पसंद करती है, और तमाम तर सिफात आका अली इब्न अबी तालिब की शख्सियत में पाई जाती थी कि तमाम तर अलकाब अगर फ़ज़ाइल मिले तो अली इब्न अबी तालिब को मिले। किसी भी सहाबी की फजीलत में इतनी रिवायतें नहीं हैं जितनी अली इब्न अबी तालिब की फजीलत में हैं। वो शुजाअत का किस्सा हो, वो इल्म का किस्सा हो, वो जंग का किस्सा हो, वो हसब हो, वो नसब हो, हर फजीलत में अली आगे आगे चल रहे हैं। तो अक्ल का फ़ैसला है, तुम उसको अपना इमाम मानो जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद हो, जो सबसे ज़्यादा आलिम हो। लेकिन जब इंसान अक्ल को छोड़ देता है और तकलीद के पीछे जाता है, तकलीद क्या है कि मेरा रिवाज क्या कहता है, मेरी रस्में क्या कहती हैं, मेरा कबीला क्या कहता है, मेरे आबाओ अजदाद क्या कहते हैं। इसी पाकिस्तान में जब हम शियों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आज़ादारी में इस पर ज़रा सोचा करो, ये करना चाहिए कि नहीं, तो जवाब क्या मिलता है, अरे हम तो सालों से कह रहे हैं, आप अभी हमें रोक रहे हैं। तो पता चला, जवाब ये मिलता है कि हम तकलीद करते हुए आ रहे हैं और आप हमें कहते हैं कि तहकीक करो। तो जहाँ पे टकराव होता है वो टकराव है अक्ल का और नकल का। कोई इंसान कहता है मुझे नकल पे चलना है, कोई इंसान कहता है मुझे अकल पे चलना है, और कुरान कहता है कामयाब वही है जिसने अपनी अकल से इबादत की, जिसने अकल से फैसला लिया, और नाकाम है वो इंसान, नामुराद है वो इंसान जिसने अकल को पीछे छोड़ा और रस्म और रिवाज के पीछे चला। और यहाँ तक खुदा ने कहा उलाएका कल अनआम बल हुम अवल, बल्कि वो हैवान है, हैवान से भी बदतर है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले तो इंसान को सोचना चाहिए जिस दीन को मैं मान रहा हूँ क्या वो दीन अकलानी भी है कि नहीं है, जिस मजहब को मैं मान रहा हूँ वो मजहब अकलानी भी है कि नहीं है। अब होता क्या है, इंसान या इफरात में जाता है, इंसान या तफरीक में चला जाता है, यानी या ज़्यादा दुनियादार बन जाता है या ज़्यादा दीनदार बन जाता है। इस्लाम कहता है अक्ल की एक बेहतरीन सिफत है, अगर वो सिफत तुम्हारे अक्ल में आ गई तो तुम्हारे अकीदे बन जाएंगे, अकीदे दुरुस्त हो जाएंगे। मौला वो कौन सी सिफत है, फरमाया उस सिफत का नाम है सिफत अदल। और कुरान भी कहता है कि हमने तुझे कौम वसत बनाया, बीच वाली कौम, यानी न तू मसीही है ना तू यहूदी है। मसीही वो भी पटड़ी से उतर गए, यहूदी वो भी पटड़ी से उतर गए। आज देखिए मसीह क्या करते हैं, मसीहियों ने कहा अपने राहिबों को कि शादी करने की ज़रूरत नहीं है, औलाद पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ ये उनके राहिबों का अमल था, एक तरफ उनकी आवाम है, आवाम ने क्या कहा हमें सिर्फ दुनिया के पीछे जाना है। तो लग्जरी लाइफ स्टाइल का तसव्वुर मिला वो आवाम के ज़रिए से मिला कि अपनी दुनिया को आबाद करने के लिए अगर दूसरों की दुनिया को ख़राब करना है तो करो, अपने बच्चों की खुशी के लिए अगर हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी को तबाह करना है तो कर दो। आज यही मगरिब का तसव्वुर है, अगर अमरीका को बचाना है चाहे पूरी दुनिया को तबाह करना है तो कर दो, अगर इसराइल को बचाना है चाहे हज़ारों फिलिस्तीनी मरते हैं तो मर जाएँ। यही इंडिया का तसव्वुर है, यही लग्जरी लाइफ स्टाइल का तसव्वुर है। भाई इंडिया को बचाना है चाहे कश्मीर में हजारों मुसलमान मरते हैं तो मर जाएं। ये लग्जरी लाइफ स्टाइल का जो तसव्वुर था यही कुरान ने इरशाद किया कि मैंने तुझे कौमे वसत बनाया, यानी मैं ऐसी कौम बनाया जिस कौम में तआदुल था, जिस कौम में न इफराद था न तफरीद थी, जो कौम ये नहीं सोचती थी बस मुझे खुद को बचाना है। उस कौम का तसव्वुर यह था अगर मैं एक इंसान हूं तो मुझे पूरी इंसानियत का सोचना है। अगर इमाम हुसैन अपनी
जात का सोचते, कभी मदीने से मौला को निकलना नहीं चाहिए था, इमाम की नमाज भी बची हुई थी, मौला का रोज़ा भी बचा हुआ था, सैयदा जैनब की चादर भी बची हुई थी और सकीना का बचपना भी बचा हुआ था, बड़ी इज्जत से ज़िंदगी गुजार रहे थे मदीने में, नमाज भी पढ़ रहे थे, दरस व तदरीस भी हो रहा था, लेकिन करबला से क्यों निकले? एक जुमला कहा, ले इस्लाह है उम्मत जद्दी, कि हम सिर्फ अपनी जानों को बचाने के लिए नहीं आए, हम इंसानियत को बचाने के लिए आए हैं, हम पूरी कायनात को बचाने के लिए आए हैं। जो इंसान इस कायनात में पैदा होकर आता है, उसकी सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो इंसान सिर्फ अपना घर बचाए, सिर्फ अपनी रोजी का सोचे, सिर्फ अपने कारोबार का सोचे, सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई का सोचे। अगर उसने ऐसा सोचा तो उसमें और उसमें हैवान में कोई फ़र्क नहीं है, उसमें और मगरब के लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। रसूल फरमाते हैं, हमने तुझे उम्मत वसत बनाया, हमने तुझे अक्ल की ताकत से नवाजा, और अक्ल तमाम तर इंसानियत को बिमंजर एक इंसान देखती है। फरमाइए, सारी कायनात एक बदन की मानंद है, कोई भी इंसान, इसलिए इमाम अली वसीयत करते हैं, मेरे लाल हसन, कहीं पर भी किसी मजलूम को देखो, उस मजलूम की मदद करने जाना, ये मत देखना वो मुसलमान है या मुसलमान नहीं है, बस ये देखना कि वो इंसान है कि इंसान नहीं है। ये तसव्वुर था आलम इस्लाम का, लेकिन मगरिब का तसव्वुर कुछ और था, वो लग्जरी लाइफ स्टाइल का तसव्वुर था, वो तसव्वुर सेल्फिशनेस का तसव्वुर था, वो तसव्वुर अपनी ज़ात को बचाने का तसव्वुर था। और वो तसव्वुर तब पैदा होता है जब इंसान की अक्ल ख़त्म हो जाती है, जब उसकी अक्ल में सिफत अदल नहीं होती। ये नहीं कि हुसैन के मुकाबले में आने वालों के पास अक्ल नहीं थी, ये नहीं जो अली के मुकाबले में आए तो उनके पास अक्ल नहीं थी, तो मौला फरमाते थे कि उसके पास अक्ल है। इमाम ने कहा, अक्ल है लेकिन वो अकल नहीं जो पसंदीदा अकल है। मौला वो कौन सी अकल है और अकल की तारीफ क्या है? तो मौला ने वो तारीफ जुमला फरमाया, अल अक्लो मा उबिद बिहर रहमान, अकलमंद वो होता है जो अपनी अकल से शैतान की इबादत ना करे बल्कि रहमान की इबादत करे। किस रास्ते में अपनी अकल को इस्तेमाल कर रहे हो? अकल एक अवजार है, अकल एक टूल है, तुम इसको यूज कहां कर रहे हो? अच्छे रास्ते में यूज करो, कर सकते हो, बुरे रास्ते में यूज करो, कर सकते हो। जिस तरह ये इमाम बारगाह है, जब आपने ली थी, बनाई थी, तो रंग वंग नहीं था, सही है ना? अब जैसा इसको कलर करना चाहो करो, ये अवजार है, ये टूल है ना, इस टूल को जिस रंग में रंगना चाहो। ये शायद कुरान की आयत है कि सिबगत अल्लाह, कौन है जो खुद को अल्लाह के रंग में रंगना चाहता है? कौन है जो खुद को अहले बैत के रंग में रखना चाहता है? आपने इमाम बारगाह को रंग किया, यहाँ पे काले कपड़े लगाए, हुसैन का नाम लगाया। अब जैसे इमाम बारगाह में आए तो आपको एक तसव्वुर मिला कि ऐसी जगह है जहाँ पे हुसैन का जिक्र होता है। लेकिन ऐसी ही बिल्डिंग अगर किसी कैसिनो वाले को दे देते, वो अपने रंग में रंग देता, उसको अपना रंग देता। इसी तरह अक्ल एक टूल है, इसको तुम किस रंग में रखना चाहते हो? मासूम फरमाते, इसको उन सिफात में रंगो जो सिफात अहले बैत की सिफात है, और उसकी बेहतरीन सिफत है सिफत अदल। मियां न रवि, न इफरात हो न तफरीत हो। उन्होंने दुनिया को छोड़ा और कहा शादी नहीं करनी, बच्चे पैदा नहीं करने, अगर शादी करोगे तो जन्नत में नहीं जाओगे, अगर बच्चे पैदा करोगे तो जन्नत में नहीं जाओगे। आज तक ये मुसलमान फलसफा नहीं समझे कि जब रसूल खुदा ने मुबाहिदा में अल्लाह ने ऐलान किया कि कहो कुल नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपनी बीवियों को लाओ, तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाते हैं, उन्होंने लाए क्यों नहीं? अक्सर तो फजाइल का नुक्ता बयान किया जाता है ना, वो कहते हैं हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर इनके मुकाबले में जाएं तो तबाह बर्बाद हो जाएं। लेकिन एक और पॉइंट भी थी, वो राहिब थे, शादियां की नहीं थी तो बच्चे कहां से होते? बीवियां उनके पास थी नहीं, तभी खुदा ने कहा कि तुम इतने खुद को अल्लाह वाले समझते हो कि तुमने शादियां भी नहीं की, औलाद भी पैदा नहीं की, अब लाओ मुकाबले में बीवियां, किसी ने शादी नहीं की थी, लाओ अपने बच्चों को, किसी के पास बच्चे नहीं थे। और मुस्तफ़ा ने बचाया कि इबादत ये नहीं कि शादी ना करो, इबादत ये नहीं कि बच्चे पैदा ना करो, मैं आबिद भी हूँ और साहिब औलाद भी हूँ। अक्ल की करामत थी और इस्लाम की करामत थी जिसने आपकी ज़िंदगियों को बचा लिया, वरना अगर किसी और दीन में होते आज रूहानियत इख्तियार की हुई होती, या कोई शादी ना करता या औलाद को पैदा ना करता। दूसरी तरफ एक और अकीदा था कि कसरत ज़वाज
जिसमें निकाह ही नहीं है, जो लग्जरी लाइफ स्टाइल का तसव्वुर है जो मगरिब में पाया जाता है, या बिल्कुल मादियत में या बिल्कुल रूहानियत में। इस्लाम ने कहा ना इतना दुनियादार बन जाओ कि आखिरत को भूल जाओ, और ना ही इतना दीनदार बन जाओ कि जंगलों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ और मसल्ला बिछा कर इबादतें करने लगो और बीवी बच्चों को भूल जाओ। न वो दीन मंजूर है न ये दुनिया मंजूर है। राह वसत को इख्तियार करो, बीच के रास्ते को इख्तियार करो, और वही इख्तियार कर सकता है जिसके पास क्या हो, अक्ल हो। फरमा इंसान हरीस है, इसके हिर्स की सिफत, इसकी तमन्नाएं इसको डबो देती हैं। और मौला फरमाते हैं वाय हो बुढ़ापे की तमन्ना से, जितना इंसान बूढ़ा होता है उतना हिर्स बढ़ता जाता है। कैसे का मौलाना दुआ करिए, बूढ़ा हो गया हूँ, मौत करीब आने वाली है, अल्लाह ने बेटा दिया है, जवान है, इतनी ज़िंदगी दे बेटे की शादी देख सकूँ। क्या ठीक है अल्लाह आपको ज़िंदगी दे बेटे की शादी देखें, बेटे की शादी हो गई, फिर का खुदा इतनी ज़िंदगी दे शादी देख ली, इसके बच्चे देख लिए, फिर अल्लाह ने दुआ कबूल की, बच्चे देखे, खुदा आप शादी दुआ कबूल की है, बच्चे भी देख लिए, इन बच्चों की जवानी देख लूँ, वो जवान हो गए, खुदा आप इतनी ज़िंदगी दे बच्चों के बच्चे देख लूँ। कभी इसकी दुआ ख़त्म नहीं होती, ये बार बार इस दुनिया में रहना चाहता है और बहाने बना बना कर रहना चाहता है। मासूम फरमाते हमेशा तैयार रहो उस मर्ग अबदी के लिए जहाँ तुझे बनाया गया, जिसके लिए तुझे भेजा गया, जिसके जिसके लिए कमाने के लिए तुझे भेजा गया। दुनिया वो बैंक है जहाँ पे तू माल कमाता है आखिरत के लिए, ना कि दुनिया के लिए। दो अकाउंट बनाओ, एक अकाउंट दुनिया का, एक अकाउंट कब्र का। दुनिया का अकाउंट हम भर रहे हैं जो ले जाना ही नहीं है, लेकिन आखिरत का अकाउंट सबका खाली है, और उसी का खाली होता है जिसका यहाँ पे खाली है। अगर इंसान के पास अक्ल हो तो तआदुल बरकरार कर। तआदुल का मतलब क्या है, दुनिया का अकाउंट भी भरो आखिरत का अकाउंट भी भरो, ये नहीं कि सिर्फ ये भरो और ये ना भरो, तवाज़ुन कायम करो, क्योंकि तू इमाम आदिल का मानने वाला है, तू खुदाए आदिल का मानने वाला है, तू नबी आदिल का मान। ये सिफत आदिल आपकी हर इबादत में है। इमाम हो तो आदिल, रब हो तो आदिल, रसूल हो तो आदिल, पेश इमाम हो तो आदिल, हाकिम हो तो आदिल, मिंबर पे आने वाला हो तो आदिल। ये सारी सिफात आपके मकतब में, किसी और मकतब में तो नहीं है, लेकिन इंसान क्या है, जब ये सिफत अदल से निकलता है तो कहाँ पे फंसता है, ये लग्जरी लाइफ स्टाइल के झोंके में आ जाता है, उसके वलवले में फंस जाता है, और उसकी तमन्ना इसको कहाँ पे ले जाती है। किसी और की मिसाल दूंगा तो शायद आप नाराज़ हो जाएंगे, अपनी मिसाल दे के आपको समझाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई मौलवी साहब है, अब उसके पास घर नहीं है तो अल्लाह से दुआ करता है कि खुदा मुझे छोटा घर दे दे, एक कमरे वाला भी घर हो, ताकि एक छत तो मुझे मिल जाए, एक ही छत हो। अब खुदा दुआ कबूल करता है, उसे घर दे देता है, वो घर के अंदर जाता है, शादी करता है, बच्चे पैदा होते हैं, कहता है खुदाया ये एक कमरा भी छोटा है, अब दुआ करता है मुझे एक ड्राइंग रूम भी मिल जाए, एक कमरा और बढ़ जाए, खुदाया बच्चे हो गए हैं, खुदा फिर और उसकी दुआ को कबूल कर देता है। यानी तमन्ना पे तमन्ना आ रही है, जब नहीं था तो एक कमरे के लिए तरस रहा था, जब उसने दिया इसकी तमन्ना ने और इसको बढ़ाना शुरू कर दिया, फिर कहता खुदा ठीक है ड्राइंग रूम भी मिल गया, अब ड्राइंग रूम भी हो गया, अब बच्चे बाहर जाते हैं, घर में आते हैं, कहते हैं बाबा फलां के पास टीवी है, हमारे पास टीवी नहीं है, अब ये परेशान करे तो क्या करे। अब बीवी कहती है कि बच्चों के लिए टीवी लाओ, कहता मेरे पास पैसे नहीं है, तो बीवी कहेगी अरे काश किसी इंजीनियर से शादी करती, किसी डॉक्टर से शादी करती, आपसे शादी करके तो मैं फंस गई, घर में टीवी भी नहीं है। अब पूरी रात सोचता रहता है, एक तरफ बीवी है दूसरी तरफ टीवी है, एक तरफ बीवी है दूसरी तरफ टीवी है, दोनों के झांकों में फंस जाता है। अब करे तो क्या करे, जब तमन्ना इसे फंसा लेती है, अब इसे कमाना तो है, कैसे कमाए, आमदनी कम है, लिहाजा हिर्स इसको पकड़ लेता है, वला इसको पकड़ लेता है। अब ये क्या करता है, अब ये हरामखोरी के पीछे जाता है, अब लोगों के माल को लूटने के पीछे जाता है, अब कहीं से रिश्वत, कहीं से हरामखोरी, कहीं से चोरी, कहीं से हीरोइन का कारोबार, जो भी करना है, क्योंकि तमन्ना को जो पूरा करना है। अब बेचारे ने टीवी भी ले ली, टीवी आकर घर में लगा ली, अब बच्चे कहते हैं बाबा आप तो टीवी तो लाए हैं, लेकिन हमारे हमसाये के पास चले जाइए, उनके पास 40 इंच की टीवी है। हाँ भाई अब टीवी भी आ गई, अब ये कहता है मुझे बड़ी टीवी चाहिए, तमन्नाएं ऐसे डूबती ले जा रही हैं, अब बड़ी टीवी ले लेता है, घर भी बड़ा हो गया, ड्राइंग रूम भी आ गया, बड़ी टीवी भी आ गई। अब बच्चे कहते हैं बाबा दूसरों के घरों में जाइए, कमरे में भी टीवी है,
डाइनिंग हॉल में भी टीवी है, तो हमें दो टीवियां चाहिए, अब दो टीवी से तीन टीवियां, एक घर से दो घर, यहां तक इसकी तमन्ना इसको रींगती हुई लेकर जाती है, ये तमन्नाओं के समंदर में बहता हुआ चला जाता है और अपने रब को भूलता हुआ चला जाता है। मासूम फरमाते कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारी तमन्ना तुम्हारी दुनिया को तबाह कर दे, तुम्हारी तमन्ना तुम्हारी आखिरत को तबाह कर दे। तमन्ना इतनी रखना, आरजू इतनी रखना जिस आरजू में इंसाफ हो, जिस आरजू में अदल हो। ये सोचना अगर तू एक रोटी खा रहा है, कुछ ऐसे भी है जिनके पास खाने के लिए नहीं है, अगर तू घर में सो रहा है चाहे एक कमरे का घर ही क्यों ना हो, ये सोच के सोना कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास घर में रहने के लिए छत भी नहीं है। जब इंसान अपनी फिक्र में और अपने आमाल में अदालत को पैदा करता है, वो अपनी तमन्नाओं को समझ के आरजू करता है, वो हर आरजू में गिरता नहीं है। लेकिन अगर लग्जरी लाइफ स्टाइल के तस्वर में चला जाए कि हर आसाइश मुझे चाहिए, हर राहत मुझे चाहिए, कोई भी दुनिया में मुझे परेशानी का सामना नहीं करना, बस मुझे अपनी दुनिया को बनाना है, याद है इस दुनिया को बनाने के लिए क्या करता है, ये लोगों को कत्ल करता है, ये अपने घर को बढ़ाने के लिए लोगों के घरों को गिराता है, ये अपनी बस्ती को बढ़ाने के लिए लोगों की बस्तियों को रौंद देता है, ये अपने मुल्क को बढ़ाने के लिए उसको सुपर पावर बनाने के लिए ये गरीबों का कत्ल करता है। यही तो दुनिया का तसव्वुर है जिसमें हुब्बेजात का तसव्वुर पैदा किया, जिसमें सेल्फिशनेस का तसव्वुर पैदा किया, जिसने हिटलर को पैदा किया, जिसने हलाकू को पैदा किया। ये सारे दुनिया के जालिम कैसे बने, अगर मुझे अपना तख्त बचाना है, इस तख्त को बचाने के लिए अगर हुसैन को कत्ल करना है तो मैं करूंगा, अगर ज़ैनब की चादर को लूटना है तो मैं लूटूंगा, अगर सकीना को तमाचे मारने हैं तो मैं मारूंगा। ये तसव्वुर वहां से पैदा होता है जब इंसान में हुब्बेजात पैदा होती है, और दीन इस्लाम इसी इंसान की हुब्बेजात को निकालने के लिए आया। अरे इंसान जब तू इफरात में जाएगा, जब तू तफरीत में जाएगा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए एक दस्तूर बनाया, मैंने तुझे बचाने के लिए एक कानून बनाया। ये कानून अगर तू पढ़ के इफरात में जाएगा तुझे रोक लेगा, अगर तू गिरने जाएगा तुझे थाम लेगा, तुझे राहे वसत पे चलाएगा, तुझे सिराते मुस्तकीम पे चलाएगा। खुदा इस कानून का नाम क्या है, आवाज़ कद जाकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुन मुबीन। एक कानून को मैंने भेजा, इस कानून का नाम है कुरान, इस कानून का नाम है अल्लाह का कलाम। ये कानून तुझे राहे वसत पे लाएगा, और इस कानून के पढ़ाने वालों के नाम है मोहम्मद व अली व मुर्तजा। जो तुझे सिखाएंगे कि इस आलम फना में बका की जंग कैसे लड़नी है, इस आलम फना में जिंदगी को कैसे गुजारना है, और अपनी आरजू और तमन्नाओं से कैसे मुकाबला करना है। अहले बैत इसी को सिखाने के लिए आए कि इंसान ये अक्ल इसलिए दी है, ये अक्ल कॉपी के लिए नहीं दी, ये अक्ल तुमने इसलिए दी ताकि तू सोचे, ताकि तू फिक्र करे। और हमने कानून भी दिया जिसे शरीयत का नाम दिया गया। शरीयत इंसान को बचाने के लिए है, शरीयत इंसान के दिल से खुदा की मोहब्बत को डालने और अपनी मोहब्बत को निकालने के लिए है। शरीयत बताती है कि रोज़ा रखो ताकि तुम्हें एहसास हो कि भूख क्या होती है, ताकि तुझे पता चले कि प्यास क्या होती है, और तुम्हारे वजूद में एतदाल की हद पैदा हो जाए। शरीयत कहती है कि सदका दो ताकि तुम्हें गरीब की गुरबत का पता चले। शरीयत कहती है खुम्स दो ताकि तुझे एहसास हो कि मुझे दीन को बचाना है, ताकि तुम्हें एहसास हो कुछ गरीबों को बचाना है, ताकि तुम्हें एहसास हो कुछ ऐसी बस्तियां भी हैं जहां पे नमाजी तो हैं लेकिन नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं है, कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां पे मौलाना तो है लेकिन पालने के लिए कुछ पैसे नहीं है। इसीलिए शख्स आठवें इमाम के पास आता है, कहता है मौला कोई रास्ता निकाल दीजिए ताकि मैं खुम्स न दूं। इमाम ने उसे डांटा, फरमाया ये खुम्स जो है अमुलुद्दीनना, ये खुम्स हमारे दीन की मदद के लिए वाजिब किया गया। अगर तू खुम्स नहीं देगा तुम्हारा दीन तबाह बर्बाद हो जाएगा, अगर तू खुम्स नहीं देगा तुम्हारे दीन में दीनदार लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारे हौजा इल्मिया तबाह हो जाएंगे। अगर हौजा चलता है तो मोमिन के खुम्स से चलता है, अगर ये मराकज चलते हैं तो खुम्स से चलते हैं। आज तुम बड़ी आसानी से वफाती जनान लेकर घर में पढ़ते हो, इसको लिखने वाला कौन था, अब्बास कुम्मी साहब थे, ये बिहारुल अनवार, ये कुतुब अरबा, ये शहीद अव्वल, ये शहीद सानी, ये फिका और शरीयत बड़ी आसानी से जाकर हज करते हो, उलमा ने तमाम चीजों को जमा किया, ये उन मोमिनों की जहमत की निशानी थी जो अपने माल से खुम्स निकालते थे और मराजे होजे को चलाते थे। और ये कब होगा, जब इंसान अपनी जात की मोहब्बत को निकालेगा, अपने माल की मोहब्बत को निकालेगा। अहले बैत ये नहीं कहते कि अपने बच्चों का लुकमा उठा के दो, फरमाते बच्चों को भी खिलाओ खुद भी खाओ
कमाओ, घर भी बनाओ, जो माजाद माल आ जाए उसको दीन खुदा पे लगा दो, क्योंकि तू दुनिया में सिर्फ अपनी दुनिया बनाने के लिए नहीं आया। अगर जो इस तरह जिंदगी बसर करता है ये उसी तसव्वुर पे चल रहा है जो मगरबी तसव्वुर है, जो लग्जरी लाइफ स्टाइल का तसव्वुर है, जो सेल्फिशनेस का तसव्वुर है कि सिर्फ मुझे अपनी जात को बनाना है, दूसरों का सोचना नहीं है। फरमाया जब तक अपनी जात से गुजर कर दूसरे जात तक नहीं पहुंचोगे तब तक तुम फलसफे हुसैनी को समझ ही नहीं सकते। हुसैनियत नाम ही इसी चीज का है कि अपने वजूद को इमाम हुसैन ने कुर्बान किया ताकि तुम्हारी नस्लें बच जाएं, तुम्हारा दीन बच जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आले मोहम्मद। बारिकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आले शरीयत अक्ल इंसानी को मकाम अदल पे लाने के लिए है। जो शरीयत पे अमल करता है वो न इफरात में है न तफरीत में है। जो शरीयत पे अमल न करे वो या इफरात में चला जाता है या तफरीत में। दीन अपनी मर्जी का नाम नहीं है, दीन अल्लाह की मर्ज़ी का नाम है। मैंने दो लफ्ज़ कहे थे, एक लफ्ज़ अब्द है एक लफ्ज़ आबिद है। अब्द भी इबादत करता है, आबिद भी इबादत करता है। फ़र्क यह है अब्द और आबिद में, आबिद इबादत करता है अपनी मर्जी से, अब्द इबादत करता है खुदा की मर्जी से। तू दुनिया में किसकी मर्जी से जी रहा है, अपनी मर्जी से जी रहा है या खुदा की मर्जी से जी रहा है? फिर तसव्वुर आता है अगर मुझे ऐसा ही करना था तो फिर उसने इख्तियार क्यों दिया कि अपने इख्तियार से मेरी मर्जी पे चलो, अपने इख्तियार से मेरी मर्जी पे चलो और अगर चलोगे उसका इनाम भी मैंने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है। शैतान तुझे थोड़ा देता है, मैं तुझे बढ़ा के देता हूँ लेकिन मरने के बाद तुझे देता हूँ। अब अक्ल से पूछ तुझे थोड़ा चाहिए या ज़्यादा चाहिए? रुबायत ने अब दुनिया में सब कुछ कुर्बान कर दिया आखिरत के लिए। अगर तुझे जन्नती बनना है तो तुम्हें शरीयत पे अमल करना होगा। पर मैं आखिरी ज़माने में दीनदारी बहुत कम बन जाएगी और वैल्यूज़ और डी वैल्यूज़ आपस में मिक्स हो जाएंगी। पहले हया को अच्छा माना जाता था, अब बेहयाई को अच्छा माना जाता है। पहले बाहिजाब खातून को अच्छा माना लोग प्रेफर करते थे लेकिन आज बदहिजाब खातून को अच्छा माना जाता है। ये आखिर ज़मान की निशानियाँ हैं कि वैल्यूज़ और डी आपस में मिक्स हो जाएंगे, रद्द बदल हो जाएगा। यही यूरोप था, वहाँ पर भी चीज़ों को बुरा माना जाता था लेकिन आज जो बुराइयाँ हैं उनको अच्छा माना। कानून पास किए जा रहे हैं बुराइयों के लिए। मौलाना हमारे कहते हैं कि हम लाहौर में गए और कहने लगे कि एक मोमिन आया का मौलाना बेटी के लिए कोई दुआ लिख के दीजिए। अब इन्होंने कहा कि दुआ लिखवाई जाती है किसी अच्छे काम के लिए, बीमार होगी, पढ़ाई में अच्छे होने के लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए दुआ दीजिए। लेकिन इन्होंने एक ऐसा इशू उठाया उस मोमिन की अक्ल पर हैरान रह गए। आज ये आलम आ गया कि मोमिन शिया अली का मानने वाला और उसकी फिक्र कैसी है, उसका अकीदा गलत हो गया। आज अकीदे बिगड़ गए, सिर्फ जो अकीदा बाकी रह गया वो ये है कि मजलिस में आना है, हुसैन की मजलिस सुननी है, मसाइब पे गिरिया करना है और चले जाना। तीन अकीदे। घर में तुम्हारा कौन सा अकीदा है? बच्ची की तरबियत के लिए कौन सा अकीदा है? रिज़्क कमाने जाते हो तो क्या अकीदा है? दुकान पे दुकानदारी करते हो तो क्या अकीदा है? कारोबार में कारोबार करते हो तो क्या अकीदा है? तमाम तर जिंदगी के आमाल में अकीदा वही होना चाहिए जो शरीयत का अकीदा है, ना कि सिर्फ मजलिस में आकर कोई हुसैनी बने और बाहर जाकर हुसैन जैसा अकीदा ना हो। तो क्या मौलाना बेटी में कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या घर में मेहमान आते हैं, 12 साल की बच्ची है, अब दोस्त आते हैं मेहमान आते हैं, मिलती नहीं है उनसे जाकर, क्लासरूम से टीचर शिकायत करते हैं आपकी बच्ची में कॉन्फिडेंस नहीं है, जब कॉन्फ्रेंस देनी होती है, डिबेट होनी होती है, क्लास में क्लासरूम बच्चे और लड़के होते हैं उनसे बातें करती है तो कॉन्फिडेंस नहीं है, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं है। ये मगरबी इस्तिलाहें हैं। कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए आंखों का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और मासूम क्या फरमाते हैं, सैयदा जहरा सलामुल्लाह अलैहा क्या फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज
असल फायदा। रसूल फरमाते बेटी तुझे पता है कि औरत आला तरीन मकाम पे कब पहुंचती है, खुदा की महबूब कब बनती है, जीवाबा कब बनती है? फरमाए ना कोई नामहरम उसे देखे ना वो किसी नामहरम को देखे, ये रसूल फरमा रहे हैं। लेकिन आज क्या ट्रेनिंग दी जा रही है? आई टू आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए। इसने कहा बंदे खुदा मासूमीन हिदायत के लिए आए थे, गुमराही के नुस्खे देने नहीं आए थे। आज ये सोच बन रही है एक शिया मुरब्बी जो बच्ची को पाल रहा है, जिसके घर में ये बच्ची पल रही है, जो सैयदा ज़ैनब के मसाइब पे हो रहा है, उसकी बच्ची में इफ्फत है लेकिन इसको अपनी औलाद की इफ्फत पसंद नहीं है। इफ्फत सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए भी है। ये नहीं कि मर्द आए तो आई कॉन्टेक्ट पैदा करें और कहें मौलाना ये सिर्फ औरतों के लिए। इफ्फत सिफत मर्द भी है, सिफत औरत भी है। औरत यह है कि वो नामहरम मर्द को ना देखे, मर्द के लिए यह है कि वो औरत नामहरम औरत को ना देखे। ये सिफत दोनों की है। अब ये सिफत हद एतदाल में हो, मासूम फरमाते शहवत, शहवत इफरात में चली जाए तो खुमूत, तफरीत में चली जाए तो बेहयाई और बेगैरती, और सेंटर में हो तो इसे इफ्फत कहते हैं। शहवत बुरी चीज नहीं है, अगर सेंटर में हो तो इसे इफ्फत कहते हैं। इफरात और तफरीत में चली जाए तो बुरी है, खुमूत भी बुरा है, यानी बिल्कुल किसी में रूहानियत इख्तियार कर दे कि मुझे शादी नहीं करनी, बच्चे पैदा, ये खुमूत है, कहता मुझे कुछ नहीं करना, या बिल्कुल बेगैरती में चला जाए, इतनी शहवत उसके वजूद में हो कि गुनाह में चला जाए। और उसके फिर मासूमी नुकसान बताते कि साल में 10 लाख लोग सिर्फ अमेरिका में 10 लाख लोग गुनाह जिना से मर जाते हैं, कई बीमारियां इसकी वजह से पैदा होती हैं। ये अजाब इलाही लोगों पर आता है अगर लोग अपने वजूद पर इफ्फत को पैदा ना करें। वजूद में इफ्फत ना पाई जाती हो, सेंटर लाइन में अपने वजूद को लाना है। इसी तरह जो गजब है, उसकी तफसील में कल आऊंगा, इसी तरह जो गजब है इसका भी एक इफरात है, इसकी भी एक तफरीत है। अगर ये इफरात और अगर ये तफरीत में चला जाए तो उसको जुबन कहते हैं, इंसान डरपोक बन जाता है। अगर तफरीत में चला जाए तो कहते हैं कि इंसान जैसे अहमकाना काम करता है वो शुजात नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक मगरमच्छ है और आपने देखा होगा उसके मुंह में सर डाल के बैठा हुआ है, ये आकिलाना काम नहीं है, ये जाहिलाना अहमकाना काम है, ये हिमाकत है। लेकिन अगर यही गजब सेंटर में आ जाए तो खुदा इसे शुजात का नाम देता है, इसे गैरत का नाम देता है। आज बच्चों को सिखाइए, इंसान ये सोचे कि मैं सेंटर में खड़ा हूं या इफरात और तफरीत में चला गया हूं। मकतब अहलबैत इंसान को सेंटर में रहने का दर्स देता है कि सोचो तुम अपनी जिंदगी में किस तरह अपने कदमों को उठा रहे हो। और मैंने आसान सवाल बोला था कि मौलाना पता कैसे चले कि जिंदगी में हमें करना है तो क्या करना है? जो भी कभी कारोबार करना है, कभी कहीं पे जाना है, किसी से बात करनी है, कुछ लेना है, करें तो क्या करें? मैंने कहा बहुत ही सिंपल फार्मूला है। क्यों अहलबैत फरमाते सलमान व मिन्ना अहलबैत, सैयद है ना क्या जुमला कहा कि सलमान व मिन्ना, सलमान हम अहलबैत में से आए। मौला हम कैसे आप अहलबैत में से बने? बहुत ही आसान फार्मूला, हर मोमिन अमल कर सकता है। मौला क्या करे? इमाम फरमाते जो भी काम कर रहे हो, कहीं पे जाना है, कोई डील करनी है, कोई खाना खाना है, कहीं पे घूमने जाना है, किसी से बात करनी है, कुछ भी करना है, करने से पहले ये सोचना अगर हुसैन होते तो क्या करते हैं। सिंपल सा फार्मूला है, अपने जमीर से पूछिए। कोई चीज लेनी है, कोई चीज खानी है, कहीं पे घूमने जाना है, किसी नामहरम से जो भी ताल्लुक बनाना है, उस ताल्लुक के बनाने से पहले ये सोचना अगर मेरे आका हुसैन होते तो क्या करते, अगर मेरे मौला अली होते तो क्या करते। तो जो जवाब तुम्हारे जहन में आए उसी पर अमल करना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमारे दीगर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इस अक्ल को सिफते अदल में ढालना है, इसको सेंटर में लाना है। न दुनिया के पीछे इतना दौड़ना है कि इंसान आखिरत को भूल जाए, न रूहबानियत को इख्तियार करना है कि इंसान इस दुनिया को ही भूल जाए। क्योंकि बच्चे भी पैदा करने हैं, घर भी है, औलाद भी है, इस ज़माने में भी चलना है। और इमाम ने फरमाया कि जब दुनिया के पीछे जाओ तो ऐसे जाओ जैसे हमेशा तुझे यहाँ रहना है, और जब मुसल्ली इबादत पर खड़े हो जाओ तो ऐसे इबादत करो जैसे तुझे कल ही मर जाना है।
ये ना इफराद है ना तफरीद है, इंसान को राह वसत में लाकर खड़ा कर देता है, लिहाजा इबादत में ये होना चाहिए। अब देखिए अक्ल जो है दो इस्तिलाह इस्तेमाल होती हैं, कहते हैं अक्ल मतबू है और अक्ल मसमू है। अक्ल मतबू क्या है, जिसे अक्ल तबाई कहते हैं, नेचुरल अक्ल, नेचुरल विजडम। ये क्या होता है, हर बच्चा जब पैदा होता है तो अक्ल तबाई लेकर पैदा होता है। कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होशियार होता है, कोई बच्चा थोड़ा सा डल होता है, किसी की मेमोरी बहुत पावरफुल होती है, किसी का शऊर बहुत पावरफुल होता है। एक बच्चा 10 साल का होता है, एक बच्चा 7 साल का होता है, लेकिन 7 साल वाले बच्चे का शऊर बहुत ज़्यादा होता है। एक 25 साल का होता है, उससे ज़्यादा 15 साल वाले का शऊर बहुत मजबूत होता है। अब ये तो नेचुरल है, हर बंदा जो पैदा होता है वो अक्ल मतबू को लेकर पैदा होता है, एक नेचुरल ज़हानत लेकर पैदा होता है। मासूम फरमाते हैं इस अक्ल को अक्ल मसमू से मजबूत करना है। कौन सी मसमू, यानी सुनकर। क्या सुनकर मजबूत करूं, अहले बैत के फरामीन को सुनकर मजबूत करूं। ये मसमू है, जो सुनोगे वही चीज तुम्हारी अकल पर असर डालेगी। अब सवाल यह है कि 24 घंटों, ये कान बड़ी अहमियत रखते हैं, डॉक्टर से पूछिए, 4 महीने के बाद जब बच्चा पेट में होता है सबसे पहले मेरे ख्याल में समात उसकी एक्टिव हो जाती है, वो बच्चा सुनता है, माँ झगड़ा कर रही है सुन रहा है, गीबत कर रही है सुन रहा है, कुरान पढ़ रही है सुन रहा है, किसी खातून की बुराई कर रही है बच्चा सुन रहा है। ये तबा तबाही जो बच्चा 4 साल का हाफिज कुरान बना था, कैसे बना, 2 साल के बाद तो बच्चा बाबा बाबा कहना शुरू करता है और 4 साल में इसने पूरा कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। इनकी माँ से और वालिदा से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया, ये तो एक मौजजा है, पूरी तारीख का सबसे बड़ा मौजजा है कि 4 साल का बच्चा हाफिज कुरान। और हमारे साथ आज वो मौलाना नहीं, मौलाना किफायत साहब मुहर्रम में साथ थे, उनके बच्चे ने 6 साल में, हुसैन मेहदी नाम था उनका, 6 साल में उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया। अभी उनके पास 150 बच्चे हैं जिनको वो हिफ्ज़ करवा रहे हैं। तो ये कैसे बच्चे हाफिज बने। एक और बच्चा अभी ईरान में जो हमारे दोस्त का है, उसमें तो अल्लाह ने बड़ी खुदादादी सलाहियत रखी, लेकिन उनके पीछे फैक्टर्स हैं, एक्शन का रिएक्शन होता है ना, तो जब एक्शन अच्छे होंगे तो रिएक्शन भी अच्छा होगा, जब एक्शन बुरा होगा तो रिएक्शन भी बुरा होगा। अब इनकी तबाई की वालदा कहते हैं कि जब मेरे पेट में था तो मैं इतना कुरान पढ़ती थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हम कुरान से बड़े दूर हैं, ये माँ टीवी पे बैठी है, ड्रामे पे बैठी है, लीमू खा रही है, खट्टी चीज़ें खा रही है, सब कुछ उसको दिया जा रहा है, केक दिए जा रहे हैं, जूस दिए जा रहे हैं। भाई ये तो जिस्म की गजा है, थोड़ी सी बच्चे की रूह की गजा के लिए करो, रूह के लिए जूस पिलाए जा रहे हैं, सब कुछ खिलाया जा रहा है, लेकिन इसकी रूह का क्या होगा। ये जो तुम्हारे पेट में है, 4 महीने के बाद खुदा कहता है नफख तो मिन रूही, मैं इसमें अपनी रूह को डाल देता हूँ, तो रूह के लिए तुमने क्या किया। 4 महीने तो जिस्म बनता रहा, लेकिन 4 महीने के बाद इसमें रूह आनी है। कहते हैं मनोतन, मन क्या है, रूह है, तन क्या है, बदन है। आपके अंदर मन भी है तो तन भी है, तुम तन के लिए तो कर रहे हो लेकिन मन के लिए तुमने क्या किया। तो ये वालदा कहती है कि मैं कुरान इतना कसरत से पढ़ती थी और आवाज से पढ़ती थी, अगर पढ़ने का टाइम भी नहीं था, थकी हुई थी, घर के काम भी थे, जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं तो औरतों पे भारीपन आता जाता है, तो मैं कैसेट में कुरान लगा देती थी, मैं भी सुन रही होती थी और शिकम वाला बच्चा भी सुन रहा होता था। कहते अब जैसे पैदा हुआ उसके बाद भी मैंने छोड़ा नहीं, वही कैसेट चलती रहती थी, रिपीटेडली कुरान चलता रहता था, चलता रहता था। जब बच्चे ने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया तो हमने इसके सामने, क्योंकि इसकी समाअत बड़ी मजबूत होती है, हाफिजे में चीजें जितनी सुन के आप याद कर सकते हैं इतनी पढ़ के भी याद नहीं कर सकते, समाअत बड़ी मजबूत होती है, बहुत पावरफुल होती है। तो हमने बच्चों को पढ़ना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, याद कराना शुरू किया, एक वक्त ऐसा आया कि हम भी हैरान रह गए, कहने लगी मैं सूरह हम्द आधी पढ़ती थी कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमान रहीम, बच्चा आगे पढ़ता था मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन, खुद कंटिन्यू करता था, क्योंकि उसके हाफजे में और उसकी मेमोरी में ये चीज डल गई थी। दूसरे बच्चे जो मैं हम देखते हैं माशाल्लाह वो भी बहुत होशियार है, उस बच्चे ने कहीं पढ़ना लिखना नहीं सीखा, और हम जब हरम से निकल रहे थे तो उनके वालिद से मिले और बच्चे से मिले, तो इसी तरह गुफ्तगु हुई तो तारुफ हुआ कि मेरा बच्चा है कुरान हिफ्ज़ कर रहा है। और गुफ्तगु करते करते मैंने कहा कौन सी क्लास में, कहा मैंने स्कूल में तो डाला ही नहीं,
क्या मतलब स्कूल में नहीं डाला? अब एजुकेशन सिस्टम पे भी पूरी मजलिस हो सकती है कि हमारे पास जो कुछ है मगरिब का है, तरबियत हम वही कर रहे हैं जो यूरोप ने हमें कही है, वो नहीं जो अली इब्न अबी तालिब ने कही, वो नहीं जो कुरान ने कही। खाने हम वही खाते हैं जो वो हमें कहते हैं, कपड़े हम वही पहनते हैं जो वो हमें कहते हैं, सोचना भी हमने ऐसे शुरू कर दिया जैसे वो हमें सोचते हुए देखना चाहते हैं। मोमिन हुसैनी कब बनेगा? जब इसकी फिक्र हुसैन जैसी हो जाए। देखिए चार लोग हैं, चारों लोगों की फिक्र को एक सिमत में रखा जाए। करबला में 72 थे या 70 थे, जितने भी थे सबकी फिक्र हमाहंग थी कि नहीं, मुनसजिम थी कि नहीं? वहां पर इख्तलाफ देखा, हजरत अब्बास कहे काका हुसैन लड़ना नहीं है वापस जाना है, नहीं। हबीब कहने लगे हो कि मौला ये आप सही नहीं कर रहे वापस जाना है, नहीं। अकबर ने कहा हो कि बाबा ये क्या कर रहे हैं वापस जाना, नहीं। जैनब ने कहा हो कि भैया हुसैन यहाँ पर्दे लूटे जाएंगे, करबला में क्यों रुके हैं, खेमों को खाड़ी, हमें वापस जाना, नहीं। सबकी फिक्र एक समत में जा रही है क्योंकि सबकी फिक्र हुसैनी फिक्र थी। हमारी फिक्रों में बदलाव क्यों है, इतना इख्तलाफ क्यों है? 10 मोमिन है, फिक्र अलग है, इसकी कारोबार में अपनी सोच है, उसकी घर में अपनी सोच है, सबकी बेटियों का लिबास अलग अलग है, सबके बेटों की तरबियत अलग अलग है, सबकी सोच और फिक्र अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हम जाहिरन हुसैनी है लेकिन बातिनन हुसैनी नहीं बने अभी तक। फिक्र सब कुछ ही है, इस बदन को जो मॉनिटर करती है वो आपकी फिक्र करती है, मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या पसंद है, कहाँ पे सोना है, कैसे घर में सोना है, किस सोसाइटी में रहना है, कौन सा कारोबार करना है, कितना पैसा कमाना है, बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, किस मुल्क में भेजना है, इसका मुस्तकबिल क्या बनेगा, इस सब चीजों का दारोमदार फिक्र है। और जब तक फिक्र की बुनियाद अली की फिक्र न हो, हुसैनी फिक्र न बने, अफकारे हुसैनी ने, हम ऐसे सोचें जैसे हुसैन सोचते थे, हम ऐसे सोचें जैसे इमाम ज़माना सोचते हैं, तो हम भी रूहानी बंदे बन जाएं। लेकिन आज इस फिक्र में तगय्युर पैदा हो गया। तो हमने कहा कि आप बच्चे का बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाते, तो मैंने कहा फिर पढ़ना लिखना का जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा वो कैसे? कहा जो बुक इसके सामने रखी ये पढ़ लेगा। अब उनका ताल्लुक है शुमाली इलाके जात से, तो आपको पता है उनके बच्चों को उर्दू वगैरह इतनी नहीं आती, तो मैंने उर्दू रखी, बच्चे ने उर्दू पढ़ी। मैंने कहा इंग्लिश तो इसको नहीं आती होगी, यकीन ईरान में पढ़ा, इंग्लिश रखी, बच्चा इंग्लिश पढ़ने लगा, अरबी रखी, अरबी पढ़ने लगा, फारसी रखी, फारसी पढ़ने लगा। मैंने कहा सिंधी पढ़ सकता है? तो बहुत मुश्किल है। कहा वो भी रखें, वो भी पढ़ लेगा। मैंने कहा सीखा कहाँ से इस बच्चे ने इतनी छोटी उम्र में? कहा हमें भी नहीं पता। कहीं छोटा था जब हम गाड़ी में बैठते थे जाते थे, तो सामने से गाड़ी जाती थी तो उसका जो नंबर प्लेट था, छोटा बच्चा 3 साल का, अब स्कूल में भी नहीं गया, वो कहता था बाबा ये 112G11 लिखा हुआ है। हम परेशान, कहा कौन सी गाड़ी के सामने लिखा हुआ है? हम देखते थे कैसे पढ़ना सीखा, दुकानों पे जाता था वो चीज़ें पढ़ता था, फिर हमें पता चला इस बच्चे में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ ताकतें हैं। तो मैंने उससे पूछा आपने कौन सा ऐसा अमल किया, कोई असर तो होगा जिसकी वजह से इस बच्चे में इतनी सलाहियतें पैदा हुई हैं, कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह ने ऐसा हाफिजा दिया है, ऐसा ही बच्चा का हर चीज़ इसको याद है, इतना इसका एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, इसकी मेमोरी पावरफुल है। मैंने कहा क्या किया? कहता एक अमल किया था जो आगा नुखदकी का अमल था, मेरी खुद, अच्छा कह, असल मेहनत मेरी बीवी की थी। कौन सा अमल? कागज़ खुदकी ने कहा था जो मशहद में रहता है, बीमार हो कुछ भी हो, लेकिन अगर इमाम के शहर में रहता है जहाँ पे मौला का रोज़ा और इमाम की कब्र है, तो अगर विलायत के मांगने वाला है उसे रोज़ाना विलायत की ग़ज़ा लेनी चाहिए, और ग़ज़ाए विलायत यह है कि रोज़ाना इमाम की मुलाकात के लिए जाना चाहिए। कहा बीमार थी, परेशान थी, जब ये शिकम में था कोई ऐसा दिन नहीं था कि इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए ना जाए। रोज जाते थे और इमाम रज़ा ने ऐसा तोहफा दिया। सवाल यह है कि तुम नूर की महफिल में कितना जाते हो? और मासूम फरमाते इल्म नूर है। आज अहले बैत नहीं हैं हमारे सामने, पर अहले बैत के अकवाल हैं। खुदा को आप नहीं देख रहे पर खुदा का कलाम है।
ये मुजस्सम अहल बैत हैं, ये मुजस्सम खुदा का कलाम आए। तो मोमिन अगर खुदा को नहीं देख सक रहा, खुदा के कलाम को तो देख सकता है। मोमिन अगर अली को नहीं देख सक रहा, तो अली इब्न अबी तालिब की नहजुल बलागा को तो देख सकता है। तो जब तक इंसान अपने वजूद की तरबियत न करे, तब तक इंसान हुसैनी नहीं बनता। जब तक अपनी फ़िक्र में अली इब्न अबी तालिब की फ़िक्र को न लाए, तब तक इंसान अहल बैत के करीब नहीं जा सकता। सलावत पढ़े मोहम्मद अब इंशाल्लाह कल की मजलिस में हम बताएंगे कि इंसान शुरू कहाँ से करें। जैसे हम कहते हैं स्टार्ट पॉइंट, आप कहेंगे मौलाना ये तो इतनी बातें हैं, अब मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, शुरू कहाँ से करूँ। स्टार्ट पॉइंट इंशाल्लाह वो कल बताएंगे, अगर वक्त मिला तो कल परसों की मजलिस में मैं कोशिश करूँगा हद अक्सर मटीरियल आपको दिया जाए। 10 पिलर्स हैं अक्ल को मजबूत करने, कोशिश करूँगा वो 10 के 10, क्योंकि 10 पिलर्स हैं, फिर हर पिलर के 10 पॉइंट हैं, यानी ये 100 पॉइंट बन जाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि कल की मजलिस में जितना हो सके एक मोमिन एक स्टार्ट पॉइंट को लेके मैं शुरू कहाँ से करूँ और वहाँ से शुरू करूँ ताकि मेरी अक्ल मजबूत हो जाए, फिर हर कदम अली वाला होगा, फिर हर हरकत इमाम अली वाली होगी, फिर सोच, फिर फिक्र, फिर चलना, फिर बोलना, फिर सुफरे पर बैठ कर खाना अली जैसा हो जाएगा, फिर इमाम फरमाएंगे कि ये मोमिन हम अहल बैत में से है। मोहम्मद हमारे दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद एक अमल है, क्योंकि लोगों ने सवाल भी किया है और 5 मिनट लेगा फिर मैं मसाइल पढ़ दूँ। ये बहुत मुजरब अमल है, ईरान में बहुत बड़े आलिम दीन हैं और कश्मीरी के यानी शागिर्द समझें और ख़ुद भी बड़े और रसीदा आयतुल्ला मुबशर काशानी, जो आयतुल्ला फ़ख्र के भी क्लास फेलो रह चुके हैं और हयात हैं, बहुत ही आरिफ बिल्ला, और किसी मुश्तहिद से इस ज़माने में मिलना बड़ा मुश्किल है। आप उनकी यानी मिलते मिलते तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बेटे, फिर वकील, फिर फलां, फिर फलां, फिर जाते जाते तो इंसान मौला हुसैन की जरी तक जाना आसान है, लेकिन मुश्तहिद तक जाना जो है मुश्किल है। इनमें ख़ूबी है, क्योंकि मैं ख़ुद इतना नहीं जाता मराजे के दफ्तरों में, लेकिन इनसे कुंसियत इसलिए है क्योंकि हम आधा घंटा बैठते हैं तो ये बैठे रहते हैं जी, माशाल्लाह। हम 1 घंटा बैठते हैं तो बैठे रहते हैं। वाह वाह वाह। अब इंसान की तमन्ना है कि इमाम ज़माना के साथ बैठे, तो कम अज़ कम मौला नहीं तो उनके नायब के साथ बैठना नसीब हो जाता है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। तो ये नायब अहल बैत हैं, होना चाहिए कि मराजे को बैठना चाहिए लोगों के साथ, लेकिन अब अतराफ के लोग ऐसे इतने मसाइल खड़े कर देते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनका बड़ा आसान है, रूम में इनका दफ्तर है, जो भी मोमिन जाए, और इनकी किताब इंशाल्लाह हम तर्जुमा कर रहे हैं अगले साल तक, इस साल तो टाइम नहीं मिला। उसमें अजकार और औरात जो सिर्फ अहल बैत से मनकूल, बाज़ औक़ात इतने अजकार हैं अहल सुन्नत की किताब में लेकिन अहल बैत से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। वो चीज़ नूर है जो नूर से मुतमस्सिक हो, जब तक उससे मुतमस्सिक नहीं होगी वो नूर नहीं होगा। तो इनका एक नुस्खा तकरीबन लाइलाज बीमारियों के लिए, जिसमें कैंसर के मरीज़, दूसरे मरीज़, हमने रिसेंटली अपने किसी अजीज़ पे हमने आजमाया, तो अल्लाह का शुक्र है तो वो इस मरज़ से बच गए। तो मेरा ईमान है किस नुस्खे की वजह से उन पे असर हुआ। तो नुस्खा ये है कि इंसान कोई भी एक बकरा ले, अगर कोई कैंसर का मरीज़ है, ला इलाज बीमारी है, तो आगा फ़ख्र भी फरमाते हैं कि हमने कई लोगों पर आज़माया और शफा मिल गई, सिर्फ उसे शफा न मिली जिसकी मौत हतमी थी, यानी अल्लाह ने उसकी मौत इसमें लिखी हुई थी और उसको इसी में जाना था। तो हतमी मौत को टालना बहुत मुश्किल है। बाज़ औक़ात आप हज़रत अब्बास का वो मौजज़ा सुनते हैं कि जिसमें 3 बार रसूल खुदा ने कहा इसकी मौत हतमी है, वो मौजज़ा इंशाल्लाह कल सुनाऊँगा। हतमी मौत वाले न बचे लेकिन दूसरे जितने थे वो बच चुके। नुस्खा यह है कि आदमी एक बकरा ले ले, लेकिन बकरा भी पतला ना हो, अल्लाह को देना है, उसमें कंजूसी आदमी न करे। जाहिर है कि अल्लाह के लिए बकरा दे रहे हैं तो कोई अच्छा खासा बकरा। उसकी वजह यह है कि इस बकरे के फिर 60 हिस्से करने हैं। एक तो जैसे आपने बकरा ले लिया, जो मरीज़ है उसके इर्द गिर्द 7 मरतबा बकरे को घुमाना है, उसका जिस तरह सदका होता है। असल ये फ़िदिया है, इसको हम फिदा कहते हैं,
फदेना हो बिज़िबहिन अज़ीम जो कहते हैं, ये हम फ़िदा करते हैं किसकी राह में, अल्लाह की राह में। और इसको फ़दा करने से क्या होता है, खुदा इस मरीज़ की सारी बीमारियों को ख़त्म कर देता है। तो इस बकरे को 7 मरतबा घुमाना है। अगर मरीज़ यहाँ नहीं है, यूरोप में है, किसी और मुल्क में है, बेटा है, आपकी वहाँ रसाई नहीं है, तो नीयत करके उसकी नीयत से भी आप कर सकते हैं। जब 7 मरतबा घुमा लिया तो उस बकरे पर एक दुआ पढ़नी है, जैसे अल्लाहुम्मा हाजा फिदा उम्मिन का वलक फतकब्बल हु मिन फलान बिन फलान, ऐ खुदा ये मैंने फिदा किया तुम्हारे लिए और कबूल करो इस फिदा करने वाली चीज़ को अपनी राह में। किसकी तरफ से, मिन फलान बिन फलान, फला बेटा फला की तरफ से, अगर औरत हो मिन फलानत बिन बिनते फलान, और औरत का नाम लेंगे, यहाँ पे आप नाम लेंगे, मर्द हो तो मर्द का नाम लेंगे, औरत हो तो औरत का नाम लेंगे। इसको 3 मरतबा पढ़ के उस बकरे का जो चेहरा है उस पर फूंक दिया जाएगा। फूंकने के बाद आप उसको कुर्बानी के लिए भेज देंगे। उसके शरायत आप सबको पता है, जब क़िबले की तरफ रुख और अल्लाह अकबर कहा जाए, और उसके 60 हिस्से करने हैं। 60 हिस्सों में जो 3 हिस्से होते हैं उसमें एक तो खाल होती है, खाल के बाद जो एक हिस्सा उसके जो पाया और सिरी जो कहते हैं, एक हिस्सा उसका निकल जाता है, एक हिस्सा उसका निकलता है जिसमें दिल जिगर और उसके गुर्दे आ जाते हैं, ये 3 हिस्से ये बन जाते हैं, बाकी जो हिस्से बनते हैं 56 हिस्से उसके बन जाते हैं, वो हिस्से गोश्त के बनेंगे। उन गोश्त के हिस्सों को बना के आप उतनी फैमिलीज़ में तकसीम करेंगे, यानी 57 फैमिलीज़ में, 3 हिस्से तो वो हो गए, बाकी हिस्से जितने बचेंगे वो 57 फैमिलीज़ में तकसीम करेंगे। कोई मोमिन कहता है मौलाना एक फैमिली में 3 घर वाले रह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, तो उन 3ों को भी आप दे सकते हैं अगर 3ों शादीशुदा हैं। तो ऐसे क्या होगा, जब इसके गोश्त का एक एक लकमा गरीब के पेट में डालेगा तो यकीनन वो गरीब आपके लिए दुआ करेगा, और गरीब की दुआ की असर कि अम्मा युजीबुल मुदतर इजादा यक्षिफुस्सू, ऐ खुदा जिसका दिल मुस्तर परेशान है तो उसकी आवाज़ पे आवाज़ देने वाला है। पर इंशाअल्लाह ये इंसान कुर्बानी देगा, ये बेहतरीन सदका है अपने गरीबों के लिए, ये बेहतरीन सदका है अपने बीमारों के लिए। इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम इसके सदक़े में तमाम तर मरीजों को शफाए कामिला राजला नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आला मुहम्मद सैयदा नूर जहरा नकवी बे औलाद है, उनके लिए दुआ करें परवरदिगार आलम उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए, और बरदर तौकीन हैं वो सत्य मेरे ख्याल में रिज़्क़ के लिए दुआ करें, खुदा उनको रिज़्क़ के कसीर अता फरमाए और हलाल अता फरमाए। और एक मोमिना उनकी वालदा है तौकीर साहब, वो बीमार हैं, खुदा उनको शफाए कामिला आजला नसीब फरमाए। कल की मजलिस में इंशाअल्लाह हम तफसील देंगे, जो लोग बीमार हैं तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम से उनके काफ़ी नुस्खे हैं, कुछ वो मोजज़े जो अहले बैत के मोजज़े हम तारीख़ में पढ़ते हैं, कुछ वो मोजज़े जो अहले बैत के ज़िंदा मोजज़े हैं, जिनसे काफ़ी लोगों को शफा मिली। कुछ दवाइयाँ हम लाए भी हैं, क्योंकि पिछले साल मोमिनीन कह रहे थे लेकिन हम बहुत थोड़ी लाए हैं, इसलिए मैं 3 दिन से ऐलान भी नहीं कर रहा, फिर हर मोमिन आ जाता है कि मौलाना हमें दें। तो कल इंशाल्लाह मैं देख लूँ कि कितनी हैं और कितने मोमिनीन को मिल सकती हैं, इंशाल्लाह वो मैं कल ऐलान करूँगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, दिनों को करबला ले जाएं और अपने आका हुसैन इब्न अली को सलाम पेश करें। सलाम जब भी करें तो तसव्वुर के साथ किया करें, तसव्वुर ही हो कि उस गरीब मौला का बदन सामने है। तो पहले दिन मैंने रिवायत पढ़ी कि इमाम फरमाते हैं उन मलूनों ने हुसैन को सलाम के काबिल भी नहीं समझा, और ये कहते रहे कि ये बागी है, ये बागी है। आज हम तजदीद आहद करते हैं कि मौला मैं आपको सलाम करने आया हूँ। दुआए ज़ियारत आशूरा जब पढ़ते हैं इसको तर्जुमे के साथ पढ़ा करें, तर्जुमा इंसान को बताता है कि हम इमाम से कौन सा आहद करते हैं। अस्सलाम वाला।
छत से पानी बह रहा था, काफी देर गुजर गई, पानी बहता रहा। इमाम के घर का दरवाजा खटखटाया, मौला बाहर आए। मैंने कहा मौला इतनी देर गुजर गई, घर से पानी आ रहा है। इमाम ने कहा हाँ, मैं वजू के लिए पानी लेता था, लेकिन जैसे पानी को देखता था मुझे बाबा की प्यास याद आती थी। इतने आंसू उस पानी में बहते थे, अब वो बुजुर्ग के काबिल न रहता था। ताज्जुब से पूछा मौला शहादत तो आपका वरसा है, फिर इतना आह बका क्यों करते हैं। फरमाया हाँ शहादत मेरा वरसा है, लेकिन ये बताया याकूब का एक यूसुफ गया था, अभी अब बताए ना इतना रोए आंखें सफेद पड़ गई। अरे करबला में मेरे 18 यूसुफ मर गए। का पूछने वाले तूने सजाद के साथ इंसाफ न किया, हाँ अली अकबर के सीने में बरछी लखना मेरा वरसा था, बाबा का गला कटना मेरा वरसा था, 6 महीने के बच्चे को तीर लगना मेरा वरसा था, चचा अब्बास के बाद वो का घटना मेरा वरसा था। लेकिन पूछने वाले ये बता माओ बहनों के साथ बाजारों में जाना क्या ये भी सजाद का वरसा था। ये बता था 8 घंटे ओ शराबी की दरबार में खड़ा होना
ये भी सज्जाद का वरसा था, सज्जाद भी रोए, लेकिन करबला में एक बीबी है जो बहुत ज्यादा रोई और हुसैन के बाद ज्यादा जिंदा न रही। जब भी करबला से मदीने जाती थी रो कर कहती थी अरे खुदा अब जिंदा रह कर क्या करोगे, मेरा हुसैन भी मारा गया, मेरा असगर भी मारा गया, मेरी सकीरा मोमिन ने मुझे कहा मौलाना ये तो समझ में आता है कि असगर को तीर लगा शहीद हो गए, अकबर को बर्छी लगी शहीद हो गए, हुसैन का गला कटा शहीद हो गए, लेकिन ये समझ में नहीं आता सकीना को क्या हुआ था। बच्ची को तो कोई तीर नहीं लगा, बच्ची को तो कोई नेजा नहीं लगा, भला ये बच्ची जिंदा निशान में बाबा बाबा करके क्यों चली गई। मैंने कहा क्योंकि इस बच्ची की बाबा से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था, ये जब भी सोती थी बाबा के सीने पे सोती थी, जब भी सुपरे पे बैठती थी तब तक खाना नहीं खाती थी, जब तक उसे न आ जाते। इतने दुख दिए कि सकीना बाबा बाबा करके चली गई। अब रिवायत के जुमले हैं जब असर आशूर का वक्त आया, ये तरबियत का मकाम भी है गिरिये का मकाम भी है, कि इमाम हुसैन की आदत थी जब भी नमाज पढ़ते थे वाजिब नमाज मस्जिद में पढ़ते थे, मुस्तहब नमाज घर में पढ़ते थे, जैसे घर में जाते थे सकीना दो मुसल्ले बिछा के इंतजार करती थी। आदत थी बच्ची की जब भी नमाज का वक्त आया दो मुसल्ले, एक अपने लिए एक अपने गरीब बाबा के लिए। मासूम फरमाते बहसब आदत असर का वक्त हुआ असर आशूर, इस बच्ची ने दो मुसल्ले बिछाए, एक अपने लिए एक अपने गरीब बाबा के लिए। अब जिस मोमिन को दुआ करनी है वो सकीना के साथ दुआ करे। फरमाया मुसल्ले पे बैठ गई असर आशूर का वक्त, बच्ची ने नन्हे से हाथों को बुलंद किया, दुआ करने लगी है खुदा मेरे परदेसी बाबा की तरफ खैर हो, मेरे प्यासे बाबा की तरफ खैर हो, लेकिन बाबा आते तो कैसे आते। फरमाया बच्ची दुआ कर रही, इतने में सकीना को किसी के चलने की आवाज आई, बच्ची दौड़े दौड़े बाहर गई, शायद मेरा बाबा गया। लेकिन सुनोगे बच्ची ने क्या देखा, देखा शिमर है हाथ में तालिया लिए हुए, खुदा किसी बच्ची को बाबा का कातिल दिखाए। इमाम फरमाते इस मलहून ने वो जुल्म किए जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, अब ऐसा जुल्म किया जिसकी वजह से सकीना का दिल टूट गया। सुनोगे सुनो क्या किया, चौथे इमाम फरमाते हैं बच्ची ने बड़े प्यार से पूछा अरे शेमर क्या तूने मेरा बाबा देखा, ये मलून कहता है सकीना क्या बाबा को देखना चाहती हो, बच्ची ने कहा बड़ी देर से बाबा का इंतजार कर रहे हो। फरमाया मलून के हाथ में हुसैन का कटा हुआ सर था, एक मर्तबा सर को बच्ची की तरफ फेंक दिया, ऐ शिमर तेरे हाथ कट जाते तू कभी मेरे मौला
سر لبیک دا بچی دور دے گئی او میرے غریب تلوا او میرے پردے سوا او بابا تیری گردن کی لگے کس نے کاٹ بابا کا سر گود میں لیا اب روایت کے جملے نہیں ذرا سوچو بچی نے بابا سے کیا کہا ہوگا اب یہ تصور ہے روایت کے جملے نہیں شاید بچی نے بابا کا سر گود میں لیا ہو ان تصور میں یہ کہو بابا میرے غریب الوطن بابا میرے تین دل کے پیاسے بابا بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا بابا عباس کے بازو تو نے اٹھایا او لاش کو اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے میرے بابا او بابا چار برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سنایا آج آ جا میرے سینے پہ سو جا آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں بچی بابا سے پیار کر رہی تھی یہاں شمر آگے بڑھا بچی کو اتنے تماچے مارے کہ سکینہ بے ہوش ہو گئے اب سکینہ بے ہوش ہے زینب ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیمے میں پہنچی کیا دیکھا بچی کے کان زخمی ہے رخساروں پہ نیلے نشان ہے ایک مرتبہ سر گود میں لیا مجھے نہیں پتا زینب نے بچی کو کیسے ہوش ملایا شاید اتنا روئی آنسو چہرے پہ گرے سکینہ کی آنکھیں کھلی ادا دار اب بتا سکینہ نے پہلا سوال کیا کیا روایت کے جملے یہ نہیں کہا پھپھی اما میرا بابا کہاں ہے یہ نہیں کہا پھپھی اما شمر نے مجھے تماچے مارے یہ نہیں کہا پھپھی اما میرا چچا پاس کہاں ہے او میری ماں بہنوں غور سے سنو چار سالہ بچی درس دے رہی ہے فرمایا جیسے آنکھیں کھلی نگاہ زینب پہ پڑی پہلا سوال کیا پھپھی اما آپ کی چادر کہاں ہے زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے دور لے گیا ارے میری چادر بھی لے گیا اللہ اللہ